अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अंडा कोरमा की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी बनता है ये। ग्रेवी इसकी देख सकते हैं आप, कितना बढ़िया दिख रहा है। खाने में भी ये ऐसे ही बहुत ही लाजवाब है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनता है। इसे बनाने के लिए 8 उबले हुए अंडे ले ली हूँ। सभी अंडों को इस तरह से कट कर देना है। हल्का हल्का सा कट लगाएंगे। इस तरह से कट कर देने से जब हम ग्रेवी में डालेंगे ना अंडों को, तो उसमें मसाले अंदर तक चले जाएंगे। मैं ले ली हूँ 10 से 12 काजू। इसे डाल दूँगी मिक्सर के जार में। 2 बड़े साइज़ का प्याज लेकर उसे बारीक काट कर उसे फ्राई कर ली हूँ। 1 कप बिरिस्ता बन के तैयार हुआ है ये, तो इसे डाल दूँगी मिक्सर के जार में। सारा बिरिस्ता डाल देना है और इसके साथ ही डालूँगी इसमें 1 कप दही। ध्यान रहे दही हमारा खट्टा नहीं होना चाहिए। तो सारा दही डाल दी हूँ और इसका हम अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए पेस्ट तैयार है, इसे साइड में रखेंगे। पाउडर मसाले ले ली हूँ, जिसमें आधा छोटा चम्मच है हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरे का पाउडर है, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा, 1 बड़ा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, ये सिर्फ कलर के लिए है, और नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से, तो 1 बड़ा चम्मच नमक ले ली हूँ। मसालों को साइड में रख दी हूँ और कढ़ाई को गर्म कर ली हूँ। इसमें डाली हूँ तेल, 1/2 कप के करीब में तेल है। इसी तेल में मैं प्याज को फ्राई की थी और उसमें थोड़ा सा मैं हल्दी डाली हूँ 2 पिंच के करीब में, और अंडे डाल के इसमें हमें फ्राई कर लेना है। तो जब हल्दी डाल देते हैं ना अंडे फ्राई करने से पहले, तो अंडे हमारे जो चिपकते नहीं हैं बर्तन में, तो इस तरह से डाल दी हूँ और अलट पलट के अंडों को फ्राई कर लूँगी। तो बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, बस 1 मिनट तक अलट पलट के फ्राई कर लूँगी। और ये तैयार है, इसे निकाल लूँगी। उसी तेल में हम डालेंगे खड़े मसाले, जिसमें मैं ले ली हूँ 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और 1/2 छोटा चम्मच जीरा। हल्का सा भुनेंगे मसालों को। उसके बाद डालूंगी मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, मिला लूँगी इसे। हल्का सा भुनेंगे मीडियम आँच पर ही। तो अदरक लहसुन डालने के बाद हम चलाते रहेंगे, नहीं तो अदरक लहसुन जल जाएगा। तो बस लगातार चलाते हुए हल्का सा भून ली हूँ। गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर दी हूँ और इसमें डाल ली हूँ मैं पाउडर मसाले। पाउडर मसाले डालने के बाद इसे लगातार चलाते हुए 1 मिनट तक भून लेंगे। गैस के फ्लेम को लो ही रखेंगे, नहीं तो ये मसाले हमारे बहुत जल्दी जल जाएंगे, क्योंकि हमने इसमें पानी नहीं डाला हुआ है। तो लो फ्लेम पर 1 मिनट तक भून ली हूँ। उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें जो हमने काजू दही और प्याज का पेस्ट बना के रखा हुआ है, सारा डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्सर के जार को धो के थोड़ा सा पानी डाल ली हूँ, लगभग 2 टेबल स्पून के करीब में। अब हमें मसालों को अच्छे से भुनना है, तो तले से चला दूंगी अच्छे से। उसके बाद हमें ढक देना है, गैस के फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। बीच बीच में मैं चलाते रहूँगी इसे, क्योंकि जो हमने काजू डाला हुआ है ना मसालों में, तो इसकी वजह से मसाले बहुत जल्दी तले में लगने लगता है। यहाँ हमारे मसालों को भूनते हुए मीडियम आंच पर लगभग 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। बीच बीच में इसे चला ली थी 3 से 4 बार। मसाला हमारा बहुत अच्छे से भून चुका है। अब मैं डालूँगी इसमें पानी ग्रेवी के लिए। तो यहाँ आपको कितना ग्रेवी रखना है उसके हिसाब से पानी डाल सकते हैं। मैं इसे थोड़ा गाढ़ा ही रखने वाली हूँ, फिर भी मैं 1 कप पानी डाली हूँ इसमें। मिला लूँगी अच्छे से और अब मैं ढककर इसमें 1 उबाल आने दूँगी। और यहाँ देखिए ग्रेवी में उबाल आने लगा है। अब मैं डालूँगी इसमें 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच डाली हूँ कसूरी मेथी, 3 बड़े चम्मच डाल ली हूँ इसमें दूध की निकाली हुई मलाई, आप चाहें तो फ्रेश क्रीम डाल सकते हैं। और इसके साथ ही डाल देंगे इसमें अंडे, मिला लेंगे सभी चीज़ों को। और अब हमें इसे ढककर 2 से 3 मिनट तक और पका लेना है। तो गैस के फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे, मीडियम आंच पे 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। और लगभग 3 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए और बढ़िया सा हमारा अंडा कोरमा बनके तैयार है। आप इसकी ग्रेवी देख सकते हैं, जैसे जैसे ये ठंडा होगा और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो अब मैं डाल दूँगी इसमें 1 हरी मिर्च, जिसे मैं मोटा मोटा ही काट ली हूँ, हरा धनिया डाल देंगे, मिला लूँगी और गैस को बंद कर दूँगी। गैस को बंद करने के बाद ढककर रख दूँगी इसे 5 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे और बहुत ही लाजवाब दिख रहा है ये, और खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी है। आप इसे रोटी चावल किसी के साथ भी सर्व करें, सबको बहुत पसंद आएगा, बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुआ है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।